नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि मैं अपने वीडियो पे एक फैक्चुअल और अनेक प्रकार की चीज़ें लाता रहूँगा। पढ़ाई की वीडियो लाता रहूँगा, कुछ फैक्चुअल चीज़ें लाता हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें लाता रहता हूँ। आप मेरे चैनल पर जाके विजिट करें और जो भी चीज़ें अच्छी लगे उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताने वाला हूँ कि प्रूव दैट जीरो फैक्टोरियल, इस साइन को बोलते हैं फैक्टोरियल। ध्यान दीजिएगा, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है मैं समझाऊंगा। फैक्टोरियल का जो साइन होता है इस तरीके से होता है और इस तरीके से भी साइन होता है, ठीक है। तो जैसे देखिए, एक्स फैक्टोरियल का फार्मूला क्या होता है। एक्स फैक्टोरियल फार्मूला क्या होता है कि एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री करते करते डॉट 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 ये कहाँ तक जाता है, 3 × 2 × 1 तक जाता है। जैसा कि एक एग्जांपल ले सकते हैं, 5 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल का मैंने आपको फार्मूला बताया। अब देखिए, 5 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, 5 माइनस 3, 5 माइनस 4 और मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 5 5 ही तक रहेगा, ठीक है। कहाँ तक, 5 माइनस 4 तक। और देखिए, ध्यान दीजिए, इसको हम क्या लिखेंगे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ये हो गया 5 फैक्टोरियल की वैल्यू। ये देखिए, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, 5 शुरू होता है और घटते 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 1 तक जाता है। इसी प्रकार से हम एक फार्मूला देख सकते हैं कि यदि x फैक्टोरियल है तो x फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, x x माइनस 1 फैक्टोरियल। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि x माइनस 1 फैक्टोरियल भी सॉल्व करेंगे तो ये करते करते कहाँ तक जाएगा, 1 तक चला जाएगा। तो हम देखिए, अब चेक करते हैं। नाउ हम क्या करेंगे, वी यूज्ड टेस्ट फॉर जीरो फैक्टोरियल। हमको क्या करना है, जीरो फैक्टोरियल का टेस्ट करना है। अब ध्यान दीजिएगा, जीरो फैक्टोरियल का जब हमको टेस्ट करना है तो हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 रख देंगे तो ये जीरो फैक्टोरियल हो जाएगा और हम वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या करते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू 1। यदि पुट एक्स इज इक्वल टू 1 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 × 1 − 0, 1 − 1 फैक्टोरियल। इस 1 को उधर लेकर चले जाएंगे तो 1 फैक्टोरियल अपॉन में 1 हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल अपॉन में 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, ये भाई में 1 है, जब इसको काटेंगे तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब हमारी वैल्यू क्या आ गई, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इसी यही चीज़ हमको प्रूफ करना था कि प्रूफ दैट 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे वीडियो में, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। कोई और कॉन्सेप्ट समझ में ना आए इस क्वेश्चन का तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत धन्यवाद।